शिमला के शापित पहाड़ की सच्ची कहानी। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने नीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या, इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की और अपनी नजर घूम आती है तो उन्हें सामने से कोई तीन आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या, कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है, चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोट से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई तीन लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और शरीर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गई। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे।
प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शार्पित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा है, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेनन भी करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना।